स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे जूनियर इंजीनियर CBT-1 के कट ऑफ के बारे में, जो आज ही रेलवे ने JEE का ऑफिशियल आंसर की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया है और बहुत सारे छात्रों ने अपना आंसर की मिला लिया है। उन्हें पता चल गया है कि उनका कितना नंबर आ रहा है, कितना क्वेश्चन गलत है। और इस बार रेलवे की तरफ से बहुत कम गलतियाँ की गई हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का जो पिछले बार जो ALPN टेक्नीशियन का था उसमें भारी संख्या में रेलवे की तरफ से गलती किया गया था क्वेश्चन में और ऑप्शन में भी, लेकिन इस बार रेलवे में जूनियर इंजीनियर में बहुत कम संख्या में गलती की गई है। और तो इस तरह से ये कट ऑफ मैंने बनाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये यहाँ पे जो सिविल के होंगे, जो इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, तो CBT सब सारे लोगों का कॉमन था। तो यहाँ पे एक जनरल आपको कट ऑफ बताएंगे। और इस कट ऑफ को बनाने में मैंने ध्यान में रखा है कि जैसे किसी किसी जोन का, जैसे रांची जोन का कुछ कट ऑफ CBT-1 का हाई चला जाएगा, मालदा का कम चला जाएगा, या फिर मुजफ्फरपुर वगैरह का थोड़ा कम जाएगा। तो इस तरह से करके मैंने एक रेंज एवरेज लिया है, सारे जोन को कवर करते हुए मैंने एक एवरेज कट ऑफ बताया है सारे कैटेगरी में, जैसे जनरल में, OBC, SC, ST में। और इस कट ऑफ को बनाने से पहले मैंने करीब करीब 25-30 लोगों का मैंने राय लिया, उनका जोन और मार्क्स देखा, और उसके अनुसार मुझे अंदाज़ा लग गया कि किस तरह से कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर का भी, 2016 का भी मैंने CBT-1 का भी कट ऑफ देखा था, हालांकि 2016 में ऑफलाइन हुआ था और वहाँ पे थोड़ा, और इसमें थोड़ा अलग था। तो यहाँ पे इस बार थोड़ा कट ऑफ जो मैंने बताने जा रहा हूँ ये केवल रॉ मार्क्स है। अगर इतने आप रॉ मार्क्स लाएँ चाहे किसी भी जोन के हो, तो वो आप निश्चिंत मानिए कि आपका सिलेक्शन PT में हो जाएगा, वो मेंस की तैयारी में लग जाए। तो चूँकि ये रॉ मार्क्स का मैंने कट ऑफ बताया, तो नॉर्मलाइजेशन में उनका बढ़ के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 10-12 नंबर भी बढ़ जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप रॉ मार्क्स आ रहा है निगेटिव लेस करके, मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन बनाए हैं और आपका 20 क्वेश्चन गलत हो गया, और 60 क्वेश्चन मान लीजिए सही हो गया है, 100 में 80 बनाए, 60 क्वेश्चन सही, 20 क्वेश्चन गलत, तो जो निगेटिव करके जो आपका लेस करके जो नंबर आएगा वही एग्जैक्ट नंबर, यानी रॉ मार्क्स टोटल। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले जनरल का बात करते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 55-60 के बीच में जाएगा रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 70-71 नंबर भी जा सकता है, 65-70 के बीच में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इसका कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। ये एवरेज है, यानी सारे जोनों का इसमें मिक्स करके मैंने एक एवरेज कट ऑफ बताया है। उसी तरह OBC का अगर बात करें तो OBC का जो कट ऑफ जाएगा वो 49-55 नंबर के बीच में, रॉ मार्क्स के बीच में ये कट ऑफ जाएगा दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन करके 60-65 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा। उसी तरह अगर SC का बात करें तो इसका 47-52 नंबर के बीच में कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं RRB JEE के टोटल वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ 13,000 के समथिंग आसपास है, जो 15 गुना करके करीब 2-2.5 लाख के आसपास CBT-2 में जाएंगे स्टूडेंट, यानी CBT-1 में जो क्वालिफाई करेंगे लगभग 2.5 लाख के आसपास क्वालिफाई करेंगे, 2-2.5 लाख के आसपास। और ST का कट ऑफ देखिए तो ST का यहाँ पे 45-50 नंबर के बीच में रॉ मार्क्स में जाएगा कट ऑफ। तो अगर आप लोगों का इतने आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी जोन में हो, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो कंफर्म मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है CBT-1 में, यानी आप CBT-2 के लिए लग जाइए। अब रहा मिनिमम, यानी कि 1-2 नंबर कम भी जा सकता है कट ऑफ, लेकिन रेंज जो है यही रहने वाला है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप देख के चलिए, अगर इस रेंज में है तो आपका PT में सिलेक्शन कंफर्म है दोस्तों। किसी किसी जोन में कम भी कट ऑफ जाएगा तो वो भी लेके चलें कि उनका कट ऑफ वो कंफर्म है उनका CBT-1। तो इससे मिला लिए हैं और ये CBT-1 JEE का कट ऑफ है RRB की तरफ से। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करें कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आपके अनुसार कितना कट ऑफ जाना चाहिए दोस्तों, ये सब आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
और ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर ये आपको कट ऑफ पसंद आया हो कि हाँ यही कट ऑफ जाने वाला, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना राय हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।